हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास सेवेंथ और एट्थ की साइंस की। बेटा ये विज्ञान की जेनरिक वर्कशीट है, G9 साइंस की वर्कशीट है ये आपकी, ठीक है, जो कि 15 जुलाई की है। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां। मानसून के समय मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां होती हैं। आपने सुना ही है ना, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, मच्छर काटता है। इसलिए मच्छर साफ़ पानी में या उसके आसपास अंडे देते हैं। बरसात के मौसम में मच्छरों में से स्वयं को बचाने के तरीके। अब बारिश में सबसे ज़्यादा मौसम बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा मच्छर होते हैं, तो हम उनसे कैसे बच सकते हैं। आसपास की जगह जो है उसको हम साफ़ रख सकते हैं, मच्छर भगाने वाली दवाई का प्रयोग कर सकते हैं और पूरी बाजू के कपड़े पहन सकते हैं। उन जगह को जगह से एकत्रित पानी को हटा सकते हैं, यानी कि इकट्ठा जो पानी से हटा सकते हैं जहाँ पर अपने मच्छर अपने अंडे दे सकते हैं, जैसे कि टायर बाल्टी में बारिश में क्या होता है, पानी भर जाता है तो उसमें मच्छर आ जाते हैं। गड्ढों और पानी एकत्रित होने वाले अन्य जगह को भरना, तो जहाँ गड्ढे वड्ढे होते हैं वहाँ भी पानी भर जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उसको भी भर के रोक सकते हैं। मादा एनोफिलीज मच्छर जो है उसके काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है, और एडिस मच्छर के काटने से क्या होता है, डेंगू होता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बरसात के मौसम में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के नाम, बीमारियों से बचाव के तरीकों के चित्र के माध्यम से दर्शाइए। तो भाई बीमारियां तो आप ये लिखेंगे, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा जितनी बीमारियां हैं, उनसे बचने के तरीके। देखिए आप बेटा चित्र खुद ही बना लेना, ये मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, ये चारपाई है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, ये आपकी मच्छरदानी लगी हुई है, मच्छर नेट जो लगा होता है, ये बना सकते हैं। इसके अलावा आप कपड़े बना सकते हैं, है ना, फुल स्लीव्स के जो कपड़े होते हैं। तो मेरी ड्राइंग बहुत ही गंदी है, इसको जज मत कीजिएगा, ठीक है। तो फुल स्लीव्स के कपड़े, ये आप दो चीज़ें बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी बना सकते हैं जो आपके माइंड में हो। सेकेंड है, मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया होता है, यस ये आपका सही है। थर्ड क्वेश्चन है, पानी के टैंक, कूलर और पानी एकत्रित होने वाली जगह की साफ़ सफाई से मलेरिया से कैसे बचा जा सकता है। तो भाई कैसे बचा जा सकता है, अगर हम उसकी सफाई कर देंगे तो क्या होगा, उसमें जो मच्छर अंडे देंगे, उसमें मच्छर बैठेंगे तो वो बैठ नहीं पाएंगे और अपने अंडे नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए हमें मलेरिया नहीं हो पाएगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये देखिए आंसर है, पानी के टैंक, कूलर और पानी एकत्रित होने वाली जगह पर मच्छर अपने अंडे दे सकते हैं, जिससे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया होने का खतरा हो सकता है। इसलिए पानी एकत्र होने वाली जगह की साफ सफाई करने से मलेरिया से बचा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट यहाँ फिनिश होती है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो वर्कशीट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।